नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश में दहेज की मांग को लेकर दलित समाज की पुत्री को ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। मायके वालों के अनुसार थाना सदर के रोहता गांव की रहने वाली दलित समाज की बेटी को जैन समाज से विवाह करना उस समय भारी पड़ा जब वह आगरा से अपने ससुराल राजस्थान के बांसवाड़ा खमेरा पहुंची। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि आए दिन ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। आपको बता दें कि रोहता गांव की रहने वाली दलित समाज की बेटी मोहिनी की 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने थाने में जाकर न्याय की गुहार की, परंतु पुलिस ने उनकी एक न सुनी और रिपोर्ट भी नहीं लिखी। उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास राउत की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी देवती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी देवती चाहिए मुझे। कितने साल शादी को हुई थी, क्या प्रताड़ना करते थे ये? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। बहुत बुरी तरह से मारते थे। दहेज भी मांगते थे? दहेज मांगते थे। 1 लाख रुपए मांगते। आपने नहीं दिए तो ये घटना को अंजाम मार पीट के उसको ऊपर पंखे से लटका दिया। उस ये कह दिया कि ये खुद ब खुद इसने फांसी लगाई है। उसको मार पीट के लगा दिया, उसको लटका दिया। मेरी बहन नहीं कर सकती ऐसा काम कभी भी। मुझे मेरी बेटी का संबंधित थाने गए हमको वहाँ पे डरे डरे हमको भी हमारी बैग भी नहीं दिखाई। कह दिया यहाँ पे साइन करो आप तभी दिखाएंगे। फिर भी मैं साइन किया नहीं दिखाया उन्होंने हमको। झगड़ा हुआ था पुलिस वालों से? झगड़ा हुआ था उससे। दिखाओ हमको। धमकाया गया अगर तुम यहाँ से साइन नहीं करो तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। जैसे तुम्हारी बहन का हाल हुआ वैसे ही तुम्हारा होगा। और गाड़ी वालों को गाड़ी वालों से ये कहा था कि आप इसका साइन कर दो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी को सील कर देंगे। जितना हो तो साइन कर दो और तुम्हारी गाड़ी सील होने जा रही है। मेरी तीसरी बेटी। हाँ जी बता। जो 2 साल पहले इस गरीब महिला ने अपनी लड़की की शादी जैन समाज में कर दी थी। ये जाटव दलित समाज से हैं, तो इन्होंने उन लोगों की बात मान के आपसी सहमति से उसकी शादी वहाँ जाकर कर दी। फिर उन्होंने लड़की के एक पुत्र हुआ, इनकी पुत्री की एक पुत्री हुई, तो पुत्री को जन्म देने के बाद उसके घर के अंदर काय क्लेश होने लगा। मारपीट करने लगे, 20 लाख रुपये की दहेज की मांग करने लगे। और मांग करते करते वो ये एक दिन इस पर आ गए कि हम तो ये जान से मार देंगे, 20 लाख रुपये तो हमें ला कर दे। 20 तारीख को 20/8/2020 में 3 बजे उसके साथ मारपीट करी गई। गंभीर तरीके से उसको मार दिया गया और मार के उन्होंने ऊपर कमरे में ले जाकर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। और वहाँ पर पुलिस प्रशासन से, सीएमओ से, राजनेताओं से, सत्ताधारी दल के नेताओं से सबसे सांठगांठ करते हुए हत्या की साजिश को आत्महत्या में बदलने के लिए उन्होंने रुपए का प्रयोग किया, बल प्रयोग किया और इन लोगों को डराया धमकाया गया। शाम को ये 21 तारीख शाम को 6 बजे वहाँ पर पहुँचे, जैसे तैसे करके गरीब हैं ये वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में इनको इतना डराया धमकाया गया, 3 दिन तक इनको साथ बहुत यातनाएं दी गई, डराया धमकाया, धोस दी गई, इनकी FIR नहीं कराई गई और पोस्टमार्टम लड़की का नहीं कराया गया, ना इनकी FIR दर्ज कराई गई। लड़की को का इनको इनकी लड़की का इन्होंने अंतिम दर्शन भी नहीं करे, इनको पता ही नहीं।